मेरी बहने, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, बस दो मिनट खामोशी से मुझे सुन लें। सदर साहब का ये हुक्म हुआ है कि सबसे पहले आप बोलें, इसलिए सदर साहब के हुक्म का मैं पालन करता हूँ। और क्या नाम है, आप लोग खामोशी से दो मिनट सुने, इसके बाद फिर और भी लोग सुने। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, मेरी माएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जालिम और फिरका परस्त की ताकत, जालिम और फिरका परस्त की ताकत ने क्या क्या साजिश नहीं की, बहुत साजिशें की कि ओएसी साहब आपके बीच में ना पाए, मगर अल्लाह को मंजूर था आपके बीच में ओएसी साहब को लाना। और आज देख लो, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओएसी साहब को आपके बीच में लेकर आऊंगा, और मैं लेकर आया। लोगों, नौजवानों, मैं आपसे कहता हूँ कि विधानसभा में आप लोगों ने मुझे अपने वोट में भेज दिया, अगर विधानसभा में आपने अपना वोट देकर मुझे भेजा
तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि कोई भी सियासी जमात या कोई भी सरकार आपके खिलाफ अगर बिल लाएगी तो जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल भाड़ा था, उस तरीके से आपका भाई आपका बेटा विधानसभा के अंदर बिल को भाड़ने का काम करेगा। मेरे लोगों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर इतना यकीन है कि जब 10 मार्च को फैसला आएगा तो आपका विधायक आपका भाई आपके वोटों से विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा। आप इतना यकीन रखना किसी शैतान के बहकावे में मत आना। शैतान आपको 27 तारीख जब तक आप वोट नहीं डाल देते तब तक आपको बहकाएगा, मगर आप अपने ईमान पर यकीन पर कायम रहना कि हमें अपना वोट सिर्फ पतंग को देना है। इस बात को मुत्तहिद होकर जाइएगा। जिस तरीके से आप रोजे की नियत करते हो, जिस तरीके से आप रोजे की नियत करते हो और अजान और मगरिब की अजान सुनने के बाद ही आप अपना रोजा खोलते हो, चाहे दुनिया की कोई नियामत चाहे दुनिया की कोई दौलत आपके सामने ला के रख दी जाए, मगर आप मगरिब से पहले रोजा नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि ये आपका ईमान है, ये ईमान है, ये अल्लाह की दी हुई हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बस उस ईमान का हवाला देता हूँ कि जब 27 तारीख को जाना तो अपना वोट डाल कर आना। उससे पहले शैतान चाहे जितना बहकाने आए उससे मना कर देना, उसके तरफ मुखातिब ना होना, उसकी कोई बात ना सुनना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपका भाई विधानसभा में जरूर पहुंचेगा। बस एक बात कहूंगा आखिरी, उसके बाद बस आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों जो माए आज मुसल्ले पर बैठ के आपके भाई आपके बेटे के लिए दुआ कर रही हैं कि या रब्बुल आलमीन इस बेटे को विधानसभा में पहुंचाने का काम करना, उनकी इज्जत रख लेना। जो पहले 10-10 किलोमीटर चल करके एक एक डोर एक एक दरवाजे को खटखटाकर लोगों के बीच जाकर कह रही है मेरे भाई को वोट देना, मेरा भाई अगर विधानसभा में पहुंच जाएगा तो आपकी आवाज बनेगा, उनके पैर में पड़े हुए छालों की इज्जत रख लेना। जिन नौजवानों ने अपने कंधे पर बैठाकर मुझे ये पूरी डोडो को उनकी इज्जत रख लेना, उन्हें मायूस न करना, कोई नहीं आएगा। अगर आएगा तो कोई आपका भाई आएगा, जब भी आप मुसीबत में आओगे आपका भाई आपके सामने खड़ा होगा। अभी आपसे केवल लोग झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं, झूठी मोहब्बत दिखा रहे हैं। वो जो शुक्ला जी हैं वो घरों में जाकर कहते हैं अपने कि बताओ जब इनको गले लगा लेते हैं तो इनसे बदबू आती है कि हमारा वोट लेना चाहते हैं। इनसे कह देना कि पहले बीजेपी की सदस्यता छोड़ दे फिर मुस्लिम बस्तियों में घूमना चालू करें। पहले बीजेपी की सदस्यता छोड़ दे फिर मुस्लिम बस्तियों में घूमना चालू करें। मैं आपको अल्लाह का और अल्लाह के नबी का वास्ता देता हूँ, आप मुझे मायूस न करना। मैंने अपना सर को दांव पर लगा दिया है सिर्फ आपके लिए, आप मुझे किसी कीमत पर मायूस न करना। अल्लाह बहुत शुक्रिया राम भाई, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। अब मैं हमारे अलायंस के साथी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनाब बाबू सिंह कुशवाहा जी का अपने ताली में बजाकर स्वागत और इस्तकबाल करिए। वो आ रहे हैं अपनी बात के आपके सामने पेश करें। एम आई एम के सदर अवेरी
यूनिवर्सिटी साहब मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित महानुभाव और हमारे दक्षिण के प्रत्याशी प्रधान अतिथि शहर उत्तरी से प्रसाद प्रत्याशी मोहम्मद अली जी और आज इस चुनावी सभा में इकट्ठे हुए सभी साथियों आज आपके बीच भाई प्रधान अली जी और भाई मोहम्मद अली जी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। हम लोगों ने उवैसी साहब के देखरेख में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हमारे साथ रामकरण कश्यप जी भी हैं, केवट राम धनी भी हैं और कमलेश चौहान जी हैं। बहुत सारे साथियों ने मिल करके इस चाहत और उम्मीद के साथ हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया। हम लोगों का मानना है जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्से बने, हर क्षेत्र में चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे वो प्रदेश और देश की सरकार से होने वाले खर्चे होते हों, इसकी जितनी आबादी आबादी के हिसाब से थोड़ी देर शांत हो जाओ भाई, थोड़ी देर शांत रहो तब तो बात होगी। हम लोगों की चाहत है कि उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। जाति जनगणना हो और इलाज के लिए गरीबों को फ्री सुविधाएं। साथियों अगर हम अपना अच्छा कोर्स लेना चाहते हैं, हिस्सेदारी और भागीदारी करना चाहते हैं तो आने वाले 27 तारीख को अपना ओठ में सही जगह में इस्तेमाल करना पड़ेगा। आजादी के बाद से हम लोगों ने चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, हम लोगों ने सभी सियासी पार्टियों को वोट दिया लेकिन आज तक कभी हमारे हक हकूक के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर हमें अपना हक हकूक लेना है तो जो हम मजलूम मजलूम मिलकर के हम लोगों ने अपना एक संगठन बनाया है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, आप सब लोगों को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जो और पार्टियों के साथी हैं, चाहे हमारे वो जन अधिकार पार्टी के साथी हो, चाहे वो भारतीय वंचित समाज पार्टी के साथी हो, मैं सबसे अपील करूंगा ये जो हमारे MIM के कैंडिडेट हैं, उसके से फरहान अली जी और शहर उत्तरी से मोहम्मद अली जी, जिनका चुनाव निशान पतंग है, पतंग के सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग उन्हें भारी बहुमत से जिता करके भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहतरम जनाब फरहान साहब उम्मीदवार उपप्रत्याशी मुस्लिम, जनाब शौकत अली साहब सदर उत्तर प्रदेश प्रदेश, मंच पर चैनल सीन पर मौजूद तमाम मजलिस के
तीनवासी जिंदाबाद तीनवासी जिंदाबाद तीनवासी जिंदाबाद 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 मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि 27 तारीख के दिन मोहम्मद फरहान साहब को आप अपने खेम की ओर देकर कामयाब करिए। इनका इंतखाबी निशान पतंग का है। ये लड़ाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जन अधिकार पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है और मेरे पास वक्त कम है, इसीलिए मुख्तसर से वक्त में मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि अगर आपके दिल दिमाग में कोई ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से आप बीजेपी को हरा पाएंगे, तो मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि ये आपका फैसला गलत होगा। आपने तीन तीन मर्तबा समाजवादी पार्टी को बसपा को वोट दिया। 2014 में बीजेपी कामयाब हो गई, 2017 में अखिलेश और राहुल मिले तब भी बीजेपी कामयाब हो गई, 2019 में अखिलेश और बहन मायावती मिले तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हैं, आज आपको वोट लेने वाला बनना पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन मुखलिस ईमानदार और बेबाक एक प्रत्याशी फरहान आपके दरमियान में है और मुझे यकीन है कि आज आप यहां से इनको कामयाब करेंगे तो ये जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो वो गूंगे अंधे बहरे बनकर नहीं बैठेंगे, वो किसी अखिलेश यादव या बहन मायावती के हुक्म के मोहताज नहीं रहेंगे। ये आपको अपना नेता बनाना है, आपकी सफों से याद रखिए मेरी इस बात को। मेरी जिंदगी को अहम नहीं है, हम सब इस दुनिया में आए, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर क्या काम करके जाएंगे आप? क्या समाजवादी पार्टी में आपकी कोई अहमियत है? क्या समाजवादी पार्टी में आपकी वोट की अहमियत है? हरगिज नहीं है। खुद समाजवादी पार्टी के एक उनके करीबी साथी ने मीडिया के सामने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के 45% मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया इसलिए कि मुसलमान एक नशे में है। आप बताइए कौन सा नशा है? जमहूरियत में जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, जमहूरियत में जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। और अगर कोई समाजवादी का कहेगा कि अगर ओवैसी के पार्टी के 8-10 जीत जाएंगे तो क्या होगा, मैं उनको जवाब देकर कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है 540 के ऐवान में अगर दो दीवाने खड़े हो जाते तो 300 बीजेपी के खड़े होकर ओवैसी का इस्तकबाल करते हैं पार्लियामेंट में। ये मिजाज आप दे सकते हैं यहाँ पर? आप फरहान को कामयाब करिए, 400 की विधानसभा में ये इंशाल्लाह ये ईमानदार और बेबाक सब पर भारी पड़ जाएगा। समाजवादी हरगिज नहीं चाहती कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाए। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि आप उनके कैदी बनकर रहे, उनके मोहताज बनकर रहे, मोदी और योगी का डर दिलाकर आप वोट हासिल करना चाहते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपने 14, 17 और 19 में जो गलती की उसको दोबारा मत दोहराइए, खुदा के लिए उसको मत दोहराइए। समाजवादी पार्टी एक मंसूबाबंद तरीके से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप को दबा नहीं रही है, खत्म कर रही है जमीन से, खत्म कर रही है जमीन से। मेरी इस बात को याद रखिए आप। मेरा उत्तर प्रदेश को आने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी मकबूलियत पे इजाफा करूं या अपने ताईद में आपकी जबान से नारे सुनाऊं।
मेरा आने का मकसद यह है कि आपकी सफों से एक जमीन से नेता पैदा हो जो एक साल दो साल नहीं बल्कि 25-30 साल तक आपका खादिम बनकर खिदमत कर सके। और मेरी नाफिस राय में फरहान वो काम कर सकते हैं, फरहान वो जिम्मेदारी का बोझ उठा सकते हैं। एक गरीब परिवार से शख्स आ रहा है जिसकी जिंदगी एक आईने की तरह है, जो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या समाजवादी पार्टी से पूछिए आप, पार्लियामेंट में 2019 में जब यूएपीए का कानून में तरमीम की गई थी, क्या समाजवादी पार्टी ने, क्या अखिलेश यादव ने, क्या मुलायम सिंह यादव ने अमित शाह के दायरे कानून की तारीफ नहीं की? और वो कानून क्या कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक इंस्पेक्टर इलाहाबाद में फरहान नामी एक शख्स को टेररिस्ट घोषित कर सकता है? किसने मुखालिफत की? मैंने और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। हमने पार्लियामेंट में डिवीजन का मुतालबा किया, तरमीमात की, संविधान का हवाला देकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। आज उसी यूएपीए कानून के तहत भारत के मुख्तलिफ जेलों में नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है क्योंकि यूएपीए के कानून में समाजवादी पार्टी ने तारीफ की। ट्रिपल तलाक का तीन तीन मरतबा कानून लाया गया। अखिलेश यादव की तकरीर उठाकर सुनो, जब ट्रिपल तलाक के कानून पर बहस हो रही थी तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने आगरा से लखनऊ हाईवे बनाया। कानून ट्रिपल तलाक का है और अखिलेश यादव बात कर रहे रोड की। इनकी जबान से लफ्ज मुसलमान कब सुना आपने अखिलेश की जबान से? बताइए आप क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते, डरते। किस बात का डर? क्या आप बराबर नहीं है? मुझे बताइए कि आप बराबर नहीं है अखिलेश यादव के? आप नहीं है बराबर उनके? जब बराबर है तो नाम क्यों नहीं लिया जाता? नाम लिया जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक आपने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आजादी के बाद पार्टीशन के बाद 50,000 लोग मुजफ्फरनगर में अपने घरों से बेघर हो गए, कौन जिम्मेदार था? क्या अखिलेश यादव ने आज हम पर उंगली उठाते कि वो इसी जहां इलेक्शन लड़ता है वहां बीजेपी जीत जाती है, योगी को कामयाबी मिलती है? अरे बताओ अखिलेश यादव, जब तुम मुख्यमंत्री थे तुम्हारे पास योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस चलाने की फाइल आई तो तुमने उस पर साइन नहीं किया, क्यों नहीं किया? याद रखिए, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुपए। मेरी इस बात को जहन रखी चली। समाजवादी पार्टी का तो ये रिकॉर्ड रहा समाजवादी पार्टी का। कितनी बातें आपके सामने रख सकता हूं, मकसद एक ही है कि आपका नेता बने, उस समाज का बने जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उस समाज का नेता बने जिससे इंसाफ नहीं हो रहा है। आज मुझ पर इल्जाम लगाया जाता कि मैं ध्रुवीकरण की राजनीति करता हूं। बताओ अगर मेरी बात सच है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के दल्ले होंगे यहां पर, सुनो मेरी बात, काम सुख होगा। फिर जाकर खौम के नाम पर वोट का मुतालबा करते हो ना, तो बताओ आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट मुसलमान क्यों है? आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर मुसलमान क्यों है? आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम 2 एकड़ जमीन अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास क्यों है? आज सबसे कम पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां मुसलमान क्यों है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है। 2012-17 में समाजवादी ने यह वादा किया था कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा। आपने रिजर्वेशन दिया? नहीं दिया। मगर अब क्या बोल रहे, आग बन करके वोट डालो, बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तुम 3 मरतबा नहीं रोक पाए। तुम्हारे घर में शादी थी तो तुमने मोदी को बुलाया, मेरे घर में शादी में मैंने मोदी को नहीं बुलाया था। तुम मिले हो मोदी के साथ, आजम खान जेल को क्यों गए बताओ? क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय में लोगों का तकरूर किया। और ये मुख्यमंत्री दूध का दुलावा था, ये जो इतनी बड़ी रोड बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, पूरी मलई खा गया। और आजम पर केस क्या है कि आजम ने लोगों का तकरूर ज्यादा कर लिया। कौन मिला हुआ बताइए आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की
राजनीति की सियासत की तल हकीकत यह है कि अगर आपके पास आपका नेता नहीं होगा आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। मुझे कोई संतरी मंत्री बनने का शौक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो कभी ना मंत्री बनूंगा ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरा फैसला है। मगर मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी नीयत ये है, मेरी लड़ाई ये है कि आपकी क़यादत बने, आपका नेता बने। और समाजवादी पार्टी से ये एक तरफा मोहब्बत कब तक, ये कब तक एक तरफा मोहब्बत करते रहेंगे? आप कभी किया अपने नौजवानों किया है? कभी इसके एक तरफा होता है? एक तरफा होता है? ये तो एक तरफा मोहब्बत है। अरे आप जिससे इश्क करते हैं वो महबूब, आप उसके घर पर चले जाते हैं। और आपसे इश्क करने वाले का नाम फरहान है, जो गली कूचों में फिर रहा है आपसे ठीक है, वो उसके लिए नहीं मांग रहा है, आपकी क़यादत बनाने के लिए मांग रहा है। वो आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने के लिए मतलब आपके दरमियान में आया। कितने बड़े बड़े 5 साल में बताइए, RCAA NPR NRC का प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, 22 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है कि इन बच्चों की जान लेने के लिए गोली चलाई गई। एक समाजवादी का MLA उत्तर असेंबली में उठाया आवाज कि क्यों गोली मारा गया उनको? पूछिए, आप खुद पूछिए अपने आप से। और आप पर अगर एक आंच आती है तो कौन दीवाना आपके लिए लड़ता है, चाहे टीवी पर हो, पार्लियामेंट पर, रोड पर, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी। मोहब्बत ये है मेरे भाई, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मोहब्बत ये है कि आप मोहब्बत में आज फरहान की मोहब्बत में यहाँ पर आए। मोहब्बत का यह तकाजा है कि अगर किसी को मारने के लिए भी गोलियां चलाई जा रही है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके दरमियान में आ रहा है, आपकी बात करने के लिए आ रहा है। क्यों हम पर गोलियां चलाई गई? क्यों हम पर गोलियां चलाई गई? क्या हम कोई माफिया है? क्या हम कोई क्रिमिनल है? हम पर गोलियां इसलिए चलाई गई कि हमारी आवाज को, हमारी जबान को, हमारे पैगाम को खत्म करना चाहते थे। मगर गोलियां चलाने वाले सुन लो, जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा तुम्हारी 1000 गोलियां मेरा बाल भी निकाल नहीं कर सकेगी। मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला फरहान जैसे बेबाक और मुखलिस लोगों को नेता बनाने का काम करने का कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमसे दुश्मनी क्यों है? हम पर हमले क्यों किए जाते हैं? हम पर हमले और दुश्मनी इसलिए किए जाते हैं कि इनको मालूम कि ये शख्स बिकने वाला है, बाकी सब बिक चुके हैं, आपके ओर का सौदा करके बैठ चुके हैं, आपके ओर का सौदा करके बैठ चुके हैं। इनको मालूम कि डराओ, इनको बीजेपी से डराओ, मोदी से डराओ, योगी से डराओ। ओवैसी आपसे कह रहा है अगर डरना है ना ओवैसी से डरो, ना प्रधानमंत्री से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना किले से डरो, डरो तो रब्बे कायनात से डरो। और डर की बुनियाद पर, डर की बुनियाद पर फरहान को वोट मत दो, आप उम्मीद की बुनियाद पर फरहान का साथ दो, हक की सरबुलंदी के लिए फरहान का साथ दो, बाकी ताकतों को शिकस्त देने के लिए फरहान का साथ दो, जालिमों का जुल्म खत्म करने के लिए फरहान का साथ दो, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए फरहान का साथ दो, माँ और बहनों की मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए फरहान का साथ दो। ये हमारा पैगाम है, हमारा पैगाम दूसरा नहीं है। सरकार बनाना है, अरे क्या कर लिया तुमने सरकार बनाकर? कौन सा चीज मारा तुमने? आपने अतीफ अहमद को जेल में भिजा दिया, आजम खान को जेल में भिजा दिया, आप बताइए फिर क्या हो रहा है? इसके बावजूद भी अगर आप डर की बुनियाद पर वोट डालेंगे नुकसान आपका होगा। आज जो बच्चे और बच्चियां 15 साल की है, 5 साल के बाद जब वो 20 साल के हो जाएंगी, वो आपसे आकर सवाल करेंगे, बताओ अब्बू, बताओ अम्मा, मेरे शिक्षा क्या क्या हुआ, मेरा नेता कौन है? तो तुम क्या जवाब दोगे? कौन है आपका नेता बताइए? आप कौन है आपका नेता? झुका कर बताइए कौन है आपका नेता? नहीं मेरे भाई, मैं कह चुका हूं मैं नेता नहीं हूं आपका, ना मैं नेता बनना चाह रहा हूं। मैं यहां पर आया हूं आपको नेता बनाने के लिए। कब तक आप गैरों के पीछे भागेंगे?
कि हम इतने हकीर हो चुके हैं कि हम अपनों को नहीं पहचानेंगे। कब तक आयोग के पीछे भागोगे तुम? कब तक आयोग की चौकट पर जाकर इंसाफ की भीख मांगोगे? अगर आज के हमारा नौजवान कामयाब हो गया तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये खादिम के तौर पर आपके दरवाजे पर आकर खड़ा होगा और बोलेगा मैं लड़ूंगा तुम्हारे इंसाफ के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरखा परस्ती इस मुल्क को, इस प्रदेश को हर तरफ बढ़ रही है, तो फिरखा परस्ती का मुकाबला कैसे करेंगे आप? फिरखा परस्ती का मुकाबला करेंगे तो आप अपनी क़यादत पर बनाकर करेंगे। आपने 30-35 साल जिन पर भरोसा किया, जिन पर एतमाद किया, जिनको आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर और किया, वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए, वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए, ना कभी आएंगे। मेरी इस बात को याद रखो आप। वोट देना आपका काम है, मगर सच्चाई बयान करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज आप फरहान का हाथ थाम लेंगे तो आप फरहान का नहीं बल्कि अपने बेटे का, अपने मुस्तकबिल का हाथ थाम रहे हैं। अगर आप सिर्फ यही बातों में फैलते जाएंगे, कोई आएगा ये बात करेगा, कोई वो बात करेगा, अरे कौन सी बात? पूछो अखिलेश यादव से आप, जब कर्नाटक में एक बच्ची हिजाब पहनने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ रही थी तो मीडिया ने अखिलेश से आकर पूछा इस हिजाब वाली बच्ची पे क्या बोलेंगे? अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। जब मुस्लिम वोट के बारे में पूछा गया सुनाई नहीं दे रहा है, जब उसको आपकी बात, आपकी तकलीफ सुनाई नहीं देती तो फिर किस बुनियाद पर वोट देंगे आप? कौन आपकी तकलीफ को महसूस करता है? कर्नाटक की बच्ची को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी गई तो कौन दीवाना वार उसकी तारीद में नारे लगा रहा था? असदुद्दीन ओवैसी कौन उसके हक के लिए लड़ रहा था? कौन कह रहा था कि भारत के संविधान के खिलाफ? मगर इनको आपका वोट चाहिए, आपके हिजाब और निजाब से मतलब नहीं है। इनको आपके वोट से मतलब है, आपके विकास से मतलब नहीं है। इनको आपका वोट चाहिए मगर आपकी लीडरशिप से मतलब नहीं है। ये आपको कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। तोड़ दो इन चीजों को एक मरतबा, तोड़ दो एक मरतबा, एक तारीफ बनाओ इलाहाबाद में आप, और देख लो आप जब एक दीवाना कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। आपने सबको आजमा लिया ना, एक 5 साल के लिए इसको आजमाओ आप एक मरतबा एतमाद के साथ, उम्मीद की बुनियाद पर, पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके भरोसे को हम शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आप यहां से इनको कामयाब करिए, आप कामयाब करिए, मैं जिम्मेदारी लूंगा, यहां पर आता रहूंगा 2 महीने में एक मरतबा, हैदराबाद से ज्यादा दूर नहीं आऊंगा, यहां पर आपसे मुलाकात करूंगा। और ये काम नहीं करेंगे तो इनका कान पकड़कर कहूंगा काम करना पड़ेगा आपको यहां पर। यही जनगुजारी साथ मुझे आप तक कहना था, क्योंकि और एक मुकाम पर जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। और मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं, आता रहूंगा, और इंशाअल्लाह ताला जब तक रब्बे करीम मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक जिंदगी वफा करेगी। मैं लड़ता हूं, मुझे सिर्फ लड़ना आता है। मसलियत के नाम पर बुजदिली के मजारे करना मेरी फितरत में नहीं है। मेरी फितरत में मेरी जबान अगर कड़वी लगती है तो इसलिए लगती है कि नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं होता मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माहौल बहनों, आप एक होकर अपना एक रिकॉर्ड मजलिस के उम्मीदवार पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करें। उत्तरी से हमारे MIM के एक और प्रत्याशी मोहम्मद अली साहब, उनका भी इंतखाबी निशान पतंग का है, वोट डालिए। क्या इस उम्मीद पर जाऊं कि आप तमाम लोग फरहान का साथ देंगे? हाथ उठाकर जवाब दे दीजिए। क्या समाजवादी से डरकर या बीजेपी से डरकर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर देंगे? और अगर दिल में डर पैदा होगा तो उस बच्ची ने क्या नारा लगाया था? इसी चीज को पैदा करो। डरना है तो
जमीन आसमान के खालिक से, किसी मखलूक से नहीं, कानून से डरना पड़ेगा। ये मिजाज आपको मजलिस देती है और जमहूरियत के मजबूत के लिए हिस्सेदारी में साथ दीजिए और पतन के निशान पर अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बटन दबाकर यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।